हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रिय विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। तो बेटा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितना प्लेसमेंट होता है, और ये जो डिजिट्स है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर से लिए गए हैं, तो आप भी एक बार उनकी वेबसाइट पे जा करके कंफर्म कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखें और इसके रिगार्डिंग आप आपकी चॉइस को अपडेट भी कर सकते हैं। हमने ये जो प्रोसेस एडमिशन की चल रही है उसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आप हमारे कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिए है उसमें आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारा जो हैंडल है वो प्रियसर विद्यापीठ है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोस में से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो जाए। अब मैं ले चलता हूं आपको सीधे ही ये जो प्लेसमेंट की पीडीएफ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, आपको दिख रहा होगा प्लेसमेंट वाइज कॉलेजेस। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सारी गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट है। वन बाय वन मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली जो कॉलेज है वो डीडीयू नडियाद है। डीडीयू नडियाद में अप्रोक्स 67% जितना प्लेसमेंट होता है हर एक ब्रांच का मिला के, जिसमें मीडियम पैकेज पर ईयर लिखा हुआ है 4 लाख के आसपास होता है। दूसरी कॉलेज जो है वो एलडी अहमदाबाद, उसमें 57% के आसपास प्लेसमेंट होता है, जिसमें 5.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज रहता है। तीसरी कॉलेज जो है वो एमएसयू बड़ौदा है, जिसमें 50% जितना प्लेसमेंट होता है, 4 लाख के अप्रोक्स, 4 लाख में थोड़ा बहुत कम है उसके अप्रोक्स, वहां पे मीडियम पैकेज रेंज पर ईयर मिलता है। उसके बाद है जीईसी भरूच। जीईसी भरूच में 38.57% जितना प्लेसमेंट होता है, 2 लाख के आसपास उसका मीडियम पैकेज होता है। उसके बाद बीबीएम वल्लभ विद्यानगर, जिसमें 31% के आसपास होता है, 3,20,000 जितना पैकेज आपको यहाँ पे एवरेज मिलता है। जीईसी भावनगर में 29% जितना होता है, इसमें ये डेटा अवेलेबल नहीं है। जीईसी गांधीनगर 28%, 2 लाख के आसपास। उसके बाद वीजीईसी 26.79%, 3.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज। जीईसी राजकोट 25%, 2 लाख के आसपास एवरेज पैकेज। जीईसी पाटन मतलब 22%, डेटा अवेलेबल नहीं है पैकेज का। शांतिलाल साह 19%, 3 लाख के आसपास एवरेज पैकेज। एली मोरबी 15%, डेटा नॉट अवेलेबल। जीईसी वलसाड 14%, 1.5 लाख जितना। जीईसी दाहोद 13%, डेटा अवेलेबल नहीं है। जीईसी पालनपुर 12.76%, 2 लाख के करीब एवरेज पैकेज। जीईसी सूरत 12%, 3 लाख के करीब। जीईसी गोधरा 7%, 2 लाख के, 1.5 लाख के करीब। जीईसी मोड़ासा 5%, 1.5 लाख के करीब। और जीईसी भुज, डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है। डीएनए मतलब प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है, और ये प्लेसमेंट डेटा 2022 और 2021 के आसपास का है। तो बेटा, ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग टू आप क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस मिल रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, मतलब फंडा तो सेम ही हुआ, फीस तो आपको कहीं पे नहीं भरनी है, तो आप आपकी चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको इस नीचे की कॉलेज में गवर्नमेंट में मिल रहा है और कोई आपके नजदीक की प्राइवेट में टीएफडब्ल्यूएस में मिल रहा है, तो आप आपकी चॉइस उसके अकॉर्डिंग टू सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट, ऐसा मत मान के चले कि गवर्नमेंट है तो फायदा ही है। गवर्नमेंट में भी प्लेसमेंट कोई उतने जोरदार नहीं होते, इससे थोड़े बहुत ज्यादा प्लेसमेंट तो प्राइवेट कॉलेज में भी होते हैं, है ना। अगर आप ऊपर की कॉलेज की बात करें तो अलग बात। अब यहां पे आप देख सकते हो कि वीजीसी चांदखेड़ा 8 नंबर पे, तो ऐसा नहीं है कि वीजीसी चांदखेड़ा 8 नंबर पे है तो आप जीईसी गांधीनगर या फिर जीईसी भरूच में लोगे तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। जीईसी चांदखेड़ा में भी ऐसा, वीजीसी चांदखेड़ा में भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका अच्छा प्लेसमेंट होता है, ज्यादा पैकेज में होता है, और जीईसी भरूच में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कम पैकेज में हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ। सबका प्लेसमेंट तो कहीं पे नहीं होता। देखो 100% प्लेसमेंट तो जो कॉलेज ऐसा बोलती है प्राइवेट कॉलेज, हमारी कॉलेज 100% प्लेसमेंट देती है, तो ये तो पहले गलत बात होगी। गवर्नमेंट में भी 100% नहीं हो रहा, अच्छी अच्छी कॉलेज में देखो, टॉप 5 की कॉलेज जहां पे, वहां पे भी 100% अगर नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में 100% प्लेसमेंट तो कैसे हो सकता है। ये पहली चीज, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आप सेट करके चले देन। और अगर आप प्लेसमेंट के ऊपर टेंशन ही नहीं ले रहे, आपको कुछ को खुद अपना कुछ करना है, कुछ बड़ा बिजनेस करना है, कुछ स्टार्टअप सेट करना है, तो उससे आपकी कॉलेज मैटर नहीं करती, तो आप आपकी नजदीकी कॉलेज ले लीजिए। घर पे बैठ के आप आपका एक्स्ट्रा एफर्ट डालें चीजों को सीखने में, कुछ नया स्टार्टअप करने में, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट मत देखें कि गवर्नमेंट में ही फ्यूचर है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करें प्लेसमेंट का, क्योंकि ये डिजिट मोस्ट प्रोबेबली सही ही होते हैं। मैंने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज तक जो पढ़ाए उसमें गवर्नमेंट वाले भी हैं इसमें से, तो मैंने देखा है एलडी वाला रह गया है, वीजीईसी वाला गया है, वीजीईसी वाला रह गया है, गांधीनगर गवर्नमेंट वाला लग गया है,
गांधीनगर गवर्नमेंट वाला रह गया है, मोड़ासा वाला लग गया है, तो ऐसा नहीं होता है। वो स्टूडेंट के टैलेंट के ऊपर था, वो स्टूडेंट के टैलेंट के ऊपर था कि उसके पास कितना टैलेंट था। तो ये पूरा गवर्नमेंट का एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंग टू आप आपकी चॉइस प्लस माइनस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में हर एक जगह पे अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 12 टीचर है या फिर 10 टीचर है, उसमें से 5 अच्छा पढ़ाएंगे, 5 नहीं भी पढ़ाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, आप पढ़ाओ के ना पढ़ाओ उनको उनका सैलरी मिलने ही वाला है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट जाकर के फरियाद कर देंगे तो भी टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सैलरी कॉलेज वाले देते हैं टीचर को। तो वो तो अगर कोई घटिया टीचर को भी सैलरी दे और कोई अच्छे टीचर को भी सैलरी दे तो क्यों अच्छा टीचर ना हायर करे, ठीक। लेकिन प्राइवेट में थोड़े बहुत बाइंडिंग ये भी है कि ज्यादा सैलरी देने पे ही अच्छे टीचर मिलते हैं, तो अगर स्टूडेंट का इंटेक हुआ होगा तो वो ज्यादा सैलरी दे पाएंगे, अगर इंटेक ही नहीं हुआ होगा, फीस ही नहीं आती होगी, तो ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे और कम सैलरी में घटिया टीचर ही मिलेंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आपकी चॉइस बहुत शांति से करें, तो थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करिए, कुछ नहीं पता चल रहा है तो किसी का ओपिनियन लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका ही रखें। तो वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।